विजयादशमी 2021 की पावन बेला में आप सभी को हम पशुपति वेलनेस सेंटर की तरफ से हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन संप्रेषण करते हैं। आप सभी को प्रणाम करते हैं, माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में शक्ति, ऐश्वर्य और दीर्घायु बना रहे। इसी पावन बेला में युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा वर्णित और विवेचित विजयादशमी की महात्म्य बोध आपके साथ सहर्ष साझेदारी करते हैं। दशहरा शौर्य का, शक्ति का, स्वास्थ्य का पर्व है। इस दिन हम अपनी भौतिक शक्ति, मुख्यतया शस्त्र और स्वास्थ्य बल का लेखा जोखा करते हैं। अपनी शक्तियों को विकसित एवं सामर्थ्य युक्त बनाने के लिए दशहरा पर्व हमें प्रेरणा देता है। वैसे इस पर्व के साथ अनेकों कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन मुख्यतः दुर्गा जो शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है, इसका इतिहास अधिक महत्व रखता है। कथा है कि ब्रह्मा जी ने असुरों का सामना करने के लिए सभी देवताओं को थोड़ी थोड़ी शक्ति संग्रहित करके दुर्गा अथवा संघ शक्ति का निर्माण किया और उसके बल पर शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ, महिषासुर आदि राक्षसों का अंत हुआ। दुर्गा की अष्टभुजा का मतलब आठ प्रकार की शक्तियों से है। शरीर बल, विद्या बल, चातुर्य बल, धन बल, शस्त्र बल, शौर्य बल, मनोबल और धर्म बल, इन आठ प्रकार की शक्तियों का सामूहिक नाम ही दुर्गा है। दुर्गा ने इन्हीं के सहारे बलवान राक्षसों पर विजय पाई थी। समाज को हानि पहुंचाने वाली आशुनी शक्तियों का सामूहिक और दुष्ट व्यक्तियों का प्रतिरोध करने के लिए हमें संगठन शक्ति के साथ साथ उन शक्तियों का अर्जन भी करना चाहिए। उक्त आठ शक्तियों से संपन्न समाज ही दुष्टताओं का अंत कर सकता है, समाज द्रोहियों को विनष्ट कर सकता है, दुराचारी षड्यंत्रकारियों का मुकाबला कर सकता है। दशहरा का पर्व इन शक्तियों को अर्जन करने का तथा शक्ति की उपासना करने का पर्व है। स्मरण रहे, संसार में कमज़ोर अशक्त व्यक्ति ही पाप, बुराई, अन्याय को प्रोत्साहन देते हैं। जहाँ इस तरह के व्यक्ति अधिक होंगे, वह समाज अस्त व्यस्त एवं नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। वहाँ असुरता, अशांति, अन्याय का बोलबाला होगा ही। दशहरे पर्व पर भगवान राम द्वारा रावण पर विजयी की कथा भी सर्वविदित है। व्यक्ति के अंदर, परिवार एवं समाज में असुर प्रवृत्तियों की वृद्धि ही अनर्थ पैदा करती है। जिन कमजोरियों के कारण उन पर काबू पाने में असफलता मिलती है, उन्हें शक्ति साधना द्वारा समाप्त करने के लिए योजना बनाने, संकल्प प्रखर करने तथा तदनुसार कर्म अपनाने की प्रेरणा लेकर आती है विजयादशमी की पावन पर्व। इसका हमें उपयोग पूरी तत्परता, श्रद्धा और भावना के साथ समझदारी पूर्वक किया जाना चाहिए। इसी विजयादशमी के पावन महात्म्य बोध के साथ आप सभी को पुनः आश्विन शुक्ल पक्ष की विजयादशमी 2021 की पावन अवसर में पुनः हम आपको प्रणाम करते हैं और शुभकामना संप्रेषित करते हैं। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। आप सभी को खूब खूब मंगल कामनाएं।